हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल गार्गी ब्लॉग्स वंटर बॉक्स। और आज एक तारीख है, 1 जनवरी। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, विश व हैप्पी न्यू ईयर। और आज जो मैं आपको मंदिर दिखाने ले जा रहा हूँ वो 1200 साल पुराना मंदिर है। देखना चाहेंगे आप तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। हिंट के लिए मैं बता दूं, मैं जयपुर से 125 किलोमीटर दूर आया हूं और सीकर के बहुत पास में हूं। अगर आप लोग सीकर के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो गूगल में सर्च कर लीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं मैं बता पाऊँगा। वीडियो जो है एक मंदिर के बारे में है जो आज से 1200 साल पुराना है और इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। इसके इतिहास के बारे में और इसके पीछे जो कहानी है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा और साथ ही साथ आपको मंदिर के भी दर्शन कराऊँगा। और इसके साथ आपको एक पहाड़ में ले जाऊँगा जो कि राजस्थान का 2nd हाईएस्ट पॉइंट है, तो वहाँ भी चलेंगे। और वीडियो को अच्छे से देखने के लिए, प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लास्ट वाला वीडियो बहुत ज़्यादा, आप हर वीडियो को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में आप मुझे अकेले नहीं देखेंगे, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है, फैमिली है। और ये रही आपकी हीरोइन, ये भी है। हेलो तो बोल दो। हेलो। हेलो, हाय, कुछ भी नहीं, ऐसे रुके रुके चल दिए। न्यू ईयर 1 तारीख। yes. मैंने तो विश कर दी अपनी तरफ से, तुमने क्या? हैप्पी न्यू ईयर। सॉरी, मेरा गला काफ़ी ख़राब है, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, मैंने दवाई ली है तो एक दवाई का हैंगओवर है। हुँ. तो इसलिए आज मेन दारोमदार पूरा वीडियो का सुझाव के ऊपर ही है। और पिछले 2-3 वीडियो में आपने देखा होगा कि अभी गार्गी आ गई है, वापसी बैक टू पवेलियन हो गया है। yes. कुछ सिचुएशन ऐसी हो रही थी कि गार्गी नहीं आ पा रही थी, तो अब वापस से हम साथ में कर रहे हैं वीडियो। अंदर मैं आपको शूट नहीं दिखा सकता क्योंकि अंदर जो है कैमरा अलाउ नहीं है, तो हम रूल नहीं तोड़ेंगे और जैसे ही एंटर करेंगे कैमरा बंद कर देंगे। तो जब हम दर्शन करके बाहर आते हैं तो आपसे मिलता हूं और आपको मैं इस मंदिर के बारे में बताता हूं। ये मंदिर कौन सा है इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये जी माता है जो राजपूत वंश की है, कुमारी है, कन्या है। जीन माता है जो कुमारी है और कन्या है। तो ये भाई बहन से, ये भौजाई से कुछ झगड़ा हो गया था और भाई बहन के प्यार बहुत ज़्यादा था, इसलिए विवाद हो गया और ये घर से निकल गई। भाई इसके पीछे पीछे आया हर्षनाथ बेरू जो वो पहाड़ी पे, तो वहाँ से भी भाई अगर नज़र आया तो बहन ने सोचा कि भाई तो पीछे पीछे आ रहा है मनाने के लिए, उठ के आ गई थी घर से। तो माँ ने यहाँ से काजल शिखर से आगे छलांग मार दी पहाड़ी पे, ये नीचे विराजमान हो गई और यहाँ पूछने लगी
शक्ति का रूप हो गया। अच्छा, और इसको ये ढोल बजाने के पीछे क्या? ये जो है ये अकबर बादशाह है ना, उसका चढ़ाया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि जब हिंदुओं का मंदिर नष्ट करने आया था जब हर्षनाथ बेरको भी किया था, कई जगह कई स्थानों पर गया था वो, जो भी हिंदुओं के मंदिर थे मूर्तियां थी उनको नष्ट किया था। अच्छा, फिर आके यहाँ जीर्ण मत आ गया, यहाँ भी दो चार मूर्तियां नष्ट की उसने, फिर माता ने भंवरे छोड़े मधुमक्खी पट्टी वाली, वो अभी भी मजबूत है। तो भंवरे जब काटने लगे तो सेना छोड़कर भाग गया बाद से, फिर आके माँ के पांव पड़ गया, माँ मुझे माफ कर, मेरी गलती होगी क्षमा कर। उसके चार नगर चढ़े, इतने चार हैं। अच्छा, इसी साइज के बड़े बड़े बाकी स्टोर में पड़े हुए हैं, जैसे ही नष्ट हो गया कोई खंडित हो गया उतना निकाल लेते हैं। और हमारा कार्य ये है कि सुबह शाम तो हमें वहाँ आरती में नगाड़े बजाते हैं, आरती पूजा करवाते हैं हमारी, वो छोटे नगाड़े वो पड़े हुए देखो आप। धन्यवाद पंडित जी, बिल्कुल। और दोस्तों, जैसे कि वैष्णो देवी में भंडारा लगता है, यहाँ पे भी उसी तरह से भंडारा लगता है। और आज एक तारीख है तो भंडारा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है और बड़े लेवल पे हो रहा है। मैं आपको, हम शायद भंडारा ना खाएं क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं आपको दिखा दूँ कि भंडारे में हम यहाँ पर क्या क्या बन रहा है। तो दोस्तों, जीन माता के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं हर्ष पर्वत पे। हर्ष पर्वत यहाँ से करीबन 10 से 15 किलोमीटर का रास्ता मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि ऊपर है। और जैसे कि मैंने आपको बोला ही था कि ये राजस्थान का सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है आफ्टर माउंट आबू गुरु शिखर। ये जीन माता के बारे में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि ये जीन माता का मंदिर जो है वो 365 दिन खुलता है, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। और अगर जैसे कि कई मंदिर होते हैं जो ग्रहण के टाइम में नहीं खुलते हैं, आरतियां नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है। ये ग्रहण, आरती, सूर्य ग्रहण, हर ऐसे मोमेंट में जहाँ पे मंदिर पूजा पाठ नहीं होती, ये तब भी उसी टाइम भी खुलता है और यहाँ पर पूजा पाठ होती है। दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच गया हूं हर्ष पर्वत पे, और यहां पे मुझे थोड़ा सा बंदरों से बच के चलना पड़ेगा, और बंदरों से अपने कैमरे को बचा के चलना पड़ेगा। अंदर चलते हैं और इस बारे में मैं बता दूं हर्ष पर्वत के बारे में, ये राजस्थान का सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है आफ्टर माउंट आबू गुरु शिखर। फाइनली हम हर्ष पर्वत में पहुंच गए, जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी दिखाया। और ये वही हर्ष पर्वत है जिस, जो मैंने आपको बताया था कि जीन और हर्ष दो भाई बहन थे, जो हर्ष जो है वो भाई था वो ऊपर ही रह गया था, और उसने उसके नाम से ही हर्ष पर्वत बना। और ये हर्ष भैरव का मंदिर है। कहते हैं कि जीन माता में, जैसे वैष्णो देवी में बताते ना कि वैष्णो देवी जाने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, वैसे ही जीन माता में माता के दर्शन करने के बाद ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। यहाँ पे पहले मुग़ल जब आए थे, इन्होंने यहाँ पे काफ़ी मंदिर को तोड़ दिया था, तो उसके जो पत्थरों के टुकड़े हैं, जो मंदिरों के टुकड़े हैं, वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं। तो लेकिन इनको अभी संभाल के रखा गया है, और आज इसकी इस मंदिर की छत की दीवारें भी आप लोगों ने देखी होगी कि किसी तरह से अभी इनको वापस से रिनोवेट किया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है आर्किटेक्चर से छेड़छाड़ नहीं किया है इन्होंने।
मंदिर में कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको नीचे से ही सारी चीज़ें बता रहा हूँ और नीचे से ही आप लोगों को पूरा मंदिर को दिखा रहा हूँ। अंदर जैसे कि मैंने अभी ऊपर, अभी मेरा जाना हुआ नहीं है क्योंकि गार्गी ऊपर से दर्शन करके आई है, तो उसने बोला है कि अंदर जाना अलाउ नहीं है। तो तुम सबूत हो, अंदर जाना अलाउ नहीं है ना? अंदर कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं है, और कैमरा मोबाइल आप कुछ भी फोटोग्राफ क्लिक करते हो तो 1100 रुपीज़ जुर्माना है। जुर्माना है, ठीक है। तो हम इतना जुर्माना झेल नहीं सकते क्योंकि पैसे नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको, अगर मैंने आपको ये चीज़ पहले बता दी है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देता हूँ कि ये जो हर्ष पर्वत का जो शिखर है, ये राजस्थान का सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है आफ्टर गुरु शिखर। तो अगर मैंने आपको पहले बता दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैंने आपको पहले नहीं बताया तो मैंने आपको वापस से इसको अपडेट कर दिया है। आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं आज, क्योंकि 1 जनवरी है इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, बाकी के दिनों में उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। तो ये बहुत ही अच्छे रिलैक्सिंग वाला एरिया है, आप अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए आ सकते हैं। और इसकी जो पौराणिक जो मान्यताएं हैं वो बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ के बारे में जितना मैंने आपको बताया है, अगर उसमें आपको लगा कि कुछ कम है, तो आप गूगल में भी इसके बारे में, विकिपीडिया में भी आप इसके बारे में जान सकते हैं कि इसका इतिहास 1200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो वाकई में ऐसी जगहों में आना बनता है और ऐसी जगह को दिखाना भी बनता है, क्योंकि यही तो हमारी संस्कृति है, इसको ही तो हमको दिखाना है। दोस्तों अभी जो चीज़ आपको हमको खाते हुए देख रहे थे उसको पूस बड़ा कहते हैं। हमारे यहाँ पे एक मान्यता है कि जब पूस माह होता है यहाँ पे दान पुण्य का काम किया जाता है, लोगों को खिलाया जाता है, तो उसी लिए ये ऑर्गेनाइज होता है अलग अलग मंदिर में अलग अलग समय में, सिर्फ पूस माह में ही होता है ये। तो ये सकरात तक ऐसा ही चलता रहेगा। और इसमें जो मेन चीज़ खिलाई जाती है वो होते हैं पकोड़े, जो चोले की दाल की बनती है, जो कि आप बनते हुए अभी देख ही रहे थे। और साथ में अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है तो चाय, पूड़ी, सब्जी, वो एडिशनल होता है, कोई करता है कोई नहीं करता है। तो अभी हमने इसका बहुत ज़्यादा लुफ्त उठाया और अभी हम वापस से घर की ओर निकल रहे हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से अगले व्लॉग में मैं कहीं ना कहीं के लिए आपको टूर कुछ ना कुछ नया दिखाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, और कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।